जमीर की आवाज के मौजूद नाजरीन, ये वीडियो शबे जुमा की दुरूद शरीफ पर मुश्तमिल है। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा यानी जुमा और जुमेरात की दरमियान रात यानी जुमेरात को तहज्जुद में इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम अज कम एक मरतबा पढ़ेगा तो मौत के वक्त सरकार मदीना सलातुस्सलाम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी इंशाअल्लाह। ये दुरूद शरीफ जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको याद कीजिए और पढ़िए। छोटा सा दुरूद शरीफ है, इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होगी और मरते वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करवाई जाएगी। फैजान सुन्नत, जुमा के दिन रूहों का घर पर आना। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बाद रिवायतों में आया है कि मैयत की रूह शबे जुमा को अपने घर आती है और देखती है कि उसकी तरफ से कोई सदका करता है या नहीं। फतवा रिजविया जिल्द 9 सफा 652। मोमिन की रूह हर शबे जुमा ईदेन के दिन यानी दोनों ईद और बकराईद के दिन आशुरा के दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को शबे बरात को अपने घर आकर बाहर खड़ी होती है और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज में से निदा करती है यानी आवाज लगाती है कि ए मेरे घर वालों, ए मेरी औलाद, ए मेरे रिश्तेदारों, सदका करके हम पर मेहरबानी करो। फतवा रिजविया जिल्द 9 सफा 652। कम से कम जुमा के दिन अपने घर इंतकाल कर चुके घर वालों को इसारे सवाब जरूर कर दिया करें क्योंकि हम जो पढ़कर या सदका करके इसारे सवाब करेंगे वो उनको पहुंचेगा जिससे उनको फायदा हासिल होगा। अगर वो मैयत गुनाहगार थी तो गुनाह माफ होंगे और नेकियां मिलेंगी और अगर मैयत नेक थी तो उसके जन्नत में दर्जे बुलंद होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये वीडियो अब यही अपने इख्तिताम पर पहुंचती। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए, इल्म दीन शेयर करके घर घर पहुंचाते रहिए। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।